Hello and welcome back to my channel. Today we will discuss about AK2 examination. Examination AK2 के होंगे या नहीं होंगे, जितने भी स्टूडेंट जो कि AK2 से एफिलेटेड कॉलेज में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, उन सबके मन में ये दुविधा है कि एग्जामिनेशन AK2 कराएगा या नहीं कराएगा, या फिर जो लेटर सर्कुलेट हो रहे हैं वो फेक हैं या वो AK2 से ही पब्लिश हैं. इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में. वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल. चलिए आपको बताते हैं कि AK2 ने कौन कौन से लेटर ऐसे पब्लिश किए हैं. तो मेरे पास कुछ लिस्ट है लेटर्स की. एज यू कैन सी AK2 के लेटर्स हैं जो AK2 के सर्कुलर पर आपको मिल जाएंगे आसानी से. और अगर आपको नहीं आता है सर्कुलर कैसे चेक करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो आपको बता दूंगी वीडियो के जरिए कि आप कैसे सर्कुलर चेक कर सकते हैं AK2 से. सिंपली आपको करना क्या है, गूगल पे आपको AK2 सर्च करना है. AK2 सर्च करके आप सर्कुलर वाले उसमें जा सकते हैं, या फिर AK2 सर्कुलर ही आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं. तो आपको वहाँ पर लिस्ट ऑफ सर्कुलर्स ओपन हो जाएगी, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्कुलर्स किस किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वहाँ पर आए हुए हैं. तो सबसे पहला जो सर्कुलर है मेरे पास है 13 मई 2020 का, 13 मई का. इसमें उन्होंने बताया है एक फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड करके उन्होंने एक डेट शीट का परफॉर्मा दिया है कि वो कब से स्टार्ट ऑफ डाउट सॉल्विंग क्लासेस, लैब इनकम्प्लीट टॉपिक्स, क्लासेस टेस्ट, थीसिस, प्रोजेक्ट सबमिशन, इनकी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स 8 सेमेस्टर के रिगार्डिंग है, जिसको मैं कंप्लीट तो नहीं पढ़ पाऊँगी मैं सभी लेटर्स को, लेकिन मैं कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. इसमें है, महोदय कृपया अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों की सम सेमेस्टर 2019-20 की अवशेष कक्षाएँ एवं परीक्षाएँ COVID-19 महामारी के दृष्टिगत इस अवधारणा के साथ कि COVID-19 महामारी की स्थितियां दिनांक 30 जून 2020 तक नियंत्रण में होंगी एवं समस्त स्कूल ऑब्लिक कॉलेज विश्वविद्यालय 1 जुलाई 2020 से कार्य प्रारंभ कर सकेंगे, दो फेजों में निम्नवत तालिका के अनुसार किया जाना प्रस्तावित किया गया है. तो इन्होंने एक इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि लगभग 30 जून तक जो सारी कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग कंट्रोल हो जाएंगी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कुछ डेट रिलीज़ की थी कि इस डेट से हम जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको कंप्लीट करा सकते हैं स्टूडेंट्स का बाय ऑनलाइन क्लासेस, और हम इस डेट से हम परीक्षाएँ करा सकते हैं फाइनल ईयर्स की या फिर रिमेनिंग स्टूडेंट्स की. तो ये 13 मई 2020 का सर्कुलर है. आप इसको कंप्लीट अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्कुलर्स में जाकर, AK2 सर्कुलर में जाकर आप देख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस लेटर अभी भी इन्होंने, AK2 ने कुछ नहीं कहा है कि परीक्षा नहीं होंगी. इस लेटर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं, उन्होंने सिंपली कुछ डेट अनाउंस की हैं कि ये डेट्स को हम ये क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर हम अपने कॉलेज को सैनिटाइज कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज़ अबाउट एजुकेशन कि हम क्लासेस कब स्टार्ट कर सकते हैं, और ये जो आपके कॉलेज हैं उनके डायरेक्टर्स के लिए लेटर था. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट दूसरा लेटर जो हुआ है वो 19 मई 2020 को आया है सर्कुलर पर, 19 मई को. इसमें है, सत्र 2019-20 में आयोजित सम सेमेस्टर सत्र 2019-20 अंतिम वर्ष के रेगुलर एवं कैरी ओवर UG परीक्षाओं के टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के संबंध में. UG जो अंडर ग्रेजुएट हैं, BPharma, BTech जो आप लोग कर रहे हैं, तो 2019-20 के जो सत्र के जो स्टूडेंट्स हैं सम सेमेस्टर के, इवन सेमेस्टर के, उनके टेंटेटिव डेट शीट उन्होंने यहाँ पर अटैच की है इस लेटर के साथ. तो टेंटेटिव डेट शीट तो का प्रिंट तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन आप उसको चेक कर लेना. ये 19 मई 2020 का लेटर है जिसमें टेंटेटिव डेट शीट ब्रांच वाइज इन्होंने जारी की है, और इन्होंने कहा है कि 13 मई का जो लेटर है, 13 मई जो इससे प्रीवियस मैंने आपको बताया है उसका संदर्भ ग्रहण करते हुए, इसमें कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दृष्टिगत सम सेमेस्टर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दो चरणों में कराए जाने की सूचना दी गई थी. अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष के रेगुलर एवं कैरी ओवर विषयों की थ्योरी परीक्षाओं का टेंटेटिव कार्यक्रम ब्रांच वाइज जारी किया जा रहा है. टेंटेटिव डेट शीट उन्होंने जारी की है,
उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि संशोधन की अवस्था में जिन्होंने मेल आईडी दी है कि अगर कोई भी गलती है उसके डेटशीट में तो उसकी उस कंडीशन में आप इस मेल आईडी पर एक सप्ताह के अंदर आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अन्य वर्षों के परीक्षा कार्यक्रम जो द्वितीय चरण में कराए जाने की सूचना शीघ्र ही विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बेसिकली इन्होंने टेंटेटिव डेटशीट उन्होंने लागू की है और वो आप देख लेना, उसमें 16 जुलाई से उन्होंने एग्ज़ाम जो है उसमें स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप वो चेक कर लेना, इसमें ये दिया गया है। अब स्थिति है तो अगर हम नेक्स्ट सर्कुलर की बात करें तो 22 मई 2020 का एक सर्कुलर है जिसमें इन्होंने लिखा है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें जितने भी एफिलेटेड विश्वविद्यालय से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजों में जितने भी स्टूडेंट्स अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं उनकी जो पेपर्स हैं जो परीक्षाएं फाइनल वो कराया जाना अभी बाकी है। तो विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं जुलाई माह में एवं प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएँ अगस्त माह में कराया जाना प्रस्तावित है। इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जुलाई का जो मंथ है उसमें और फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगस्त माह में कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए संस्थाओं को सैनिटाइजेशन कराया जाना, सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत कक्षाओं में छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था एवं प्रैक्टिकल कराए जाने हेतु लैब की व्यवस्था कराए जाने की आवश्यकता है। तो इस हमारे जो स्टूडेंट्स की जो मतलब की चीज़ थी वो उसमें यही थी कि परीक्षा जो है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई में इन्होंने बोला है और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके इवन सेमेस्टर के वो आपका अगस्त में होना इन्होंने प्रस्तावित किया है। तो ये 22 मई 2020 का सर्कुलर है। नाउ लास्ट सर्कुलर की अगर हम बात करें तो ये है आपका 25 जून का सर्कुलर है। तो इसमें आवश्यक सूचना में इन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि जितने भी फेक लेटर जो सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं करा रहा है उसके रिगार्डिंग ये लेटर है। संज्ञान में आया है कि कतिपय शरारती तत्वों द्वारा विश्वविद्यालय की आगामी होने वाली परीक्षाओं के संबंध में फर्जी ईमेल आईडी एवं अन्य माध्यमों से भ्रम फैलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं ऐसे भ्रमित करने वाली सूचनाओं से सतर्क रहें। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.aktu.ac.in से प्रसारित सही सूचनाओं को देख सकते हैं। कृपया विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट जो मैंने आपको बताई अभी पर प्रसारित सूचनाओं को भी सही माने। इन्होंने एक नोटिस जारी किया है जिसमें भी फेक लेटर्स पब्लिश हो रहे हैं सोशल मीडिया पर उन पे आप विश्वास ना करें, ना तो गार्जियन विश्वास करें ना ही जो स्टूडेंट्स हमारे एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन पर वो विश्वास ना करें। तो ये सारे सर्कुलर जो कि आपके इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग पब्लिश हुए थे AKTU के सर्कुलर साइट पर वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिए हैं। ये सारे सर्कुलर हैं, एक 13 मई का है, एक 19 मई एंड एक है 22 मई और लास्ट जो आया है ये 25 जून का है। तो आप भी उनको चेक कर सकते हैं, जाकर एक बार खुद पढ़ सकते हैं, डेटशीट देख सकते हैं। तो अब एट द लास्ट कहने का मतलब ये है कि अगर इन केस अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो उसमें कुछ प्रिपेयर रहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं होंगे तो आपको देने भी नहीं होंगे एग्ज़ाम। लेकिन इन केस अगर एग्ज़ाम हुए जो कि ये सर्कुलर्स में सभी में अभी तक ये मेंशन है कि लगभग 90% ये आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे तो उस केस में आप तैयारी करके रखें। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आप गलत किसी भी इन्फॉर्मेशन को पाकर ये सोच कर ना बैठ जाएं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर एग्ज़ाम होते हैं तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ याद ना हो, आप प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट ना हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर ना कर पाएँ। इसके अलावा जो न्यूज़ पेपर्स हैं आप उनमें भी पब्लिश हो रहा है, जैसे एक पेपर का नाम तो मैं नहीं लूँगी, इसमें लिखा हुआ है जोखिम में जान 16 जुलाई से परीक्षा का फरमान AKTU का करके इन्होंने एक लिखा है 25 जून 2020 का पेपर में। तो
इन्होंने भी अभी तक इसी में क्लियरली कहीं भी मेंशन अभी नहीं हुआ है या क्लियरली कहीं भी एकेटीयू ने ये जारी नहीं किया है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। मैंने सभी सर्कुलर्स आपको बता दिए हैं, आपको कैसे चेक करने हैं, आपको कैसे पढ़ने हैं, आपको कैसे अपनी डेट शीट देखनी है, आपको कैसे बचे रहना है जो फेक लेटर्स हैं या फेक न्यूज़ हैं उनसे। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आप पेपर पढ़ते रहिए, आप सर्कुलर चेक करते रहिए, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।